तू भूल गई? ए सुन सुन इतना बेटे बात सुन। पाकिस्तान को उनके घर में जाके पेलना अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के पापा को उनके घर में टेस्ट मैच हराना तुम्हारी औकात से बाहर है। अब दोस्तों पाकिस्तान जैसा भी है, भला है बुरा है, सड़क छाप है पजामा छाप है, आखिर है तो हमारा बेटा ही, और बेटे की बेइज्जती का बदला बाप नहीं लेगा तो और कौन लेगा? पिताजी आप अच्छे पिताजी हैं। और तुम भी एक अच्छे व्यूवर्स बनो, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, 50 लाइक का टारगेट है इस वीडियो पे, और जो चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे 22,000 सब्सक्राइबर होने में सिर्फ 200 सब्सक्राइबर कम है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? सेकंड टेस्ट के डे 1 की खतरनाक वाली वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे डाल चुका हूं, अभी तक नहीं देखी तो फटाफट से जाके देख लो। उसके बाद दूसरे और तीसरे दिन का खेल नहीं हुआ, सबको एक्चुअली ये लग रहा था कि बारिश की वजह से खेल नहीं हो पा रहा है, मगर असली मैटर था मोटा भाई। मोटा भाई ने 2 दिन के लिए टेस्ट मैच रुकवा दिया था ताकि वो आईपीएल के रिटेंशन रूल सबके सामने ले आए और सबको आईपीएल के रिटेंशन रूल डिस्कस करने का टाइम मिले। बाकी मोटा भाई ने बिल्कुल प्रॉमिस किया था कि तुम्हें पूरा टेस्ट मैच दिखाएंगे, रिजल्ट लाके दिखाएंगे, और वही हुआ। 4th दिन जब खेल स्टार्ट हुआ, इंडिया ने जो सपोलो को पेला है, ओए होए होए, बेसबॉल भी शर्मा जाए हमारे रोहित शर्मा के खेल के सामने। टेस्ट मैच की हिस्ट्री में फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200 एंड फास्टेस्ट 250 बनाने का रिकॉर्ड बना दिया हमारी टीम इंडिया ने। और सिर्फ इतना ही नहीं, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में हमारी इंडियन क्रिकेट टीम पहली ऐसी टीम बन चुकी है जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में 35 ओवरों के अंदर ही इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया हो, वरना तो भाई हमारे पड़ोसी 450 रन मार के डिक्लेयर करते हैं तब भी हार जाते हैं। हारे हुए फिर भी सीना तंग क्या रहे हो? जीता कौन है? मेरा बापू जी, तो मेरे लिए गर्व की बात है कि नहीं? और टेस्ट मैच में इतनी बुरी तरह से पिटाई होने के बाद हमारे बांग्लादेशी खिलाड़ियों के मुंह से एक ही बात निकली कि T20 खेलना अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट में T20 खेलना अच्छी बात नहीं है। मतलब इस सीरीज में ना बांग्लादेशियों की कुटाई हुई है, चाहे वो ग्राउंड के बाहर हो या फिर ग्राउंड के अंदर। समझ गए ना? बट यार ऑनेस्टली बताऊं ना, मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा के अलावा दुनिया का कोई भी कैप्टन इस मैच में होता तो ये सोचता कि भाई इस मैच को अभी भी जीता जा सकता है, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का खेल बचा हुआ था। और रोहित शर्मा जैसे ही बैटिंग पे आए, अपनी पहली 2 बॉल पर ही इंटेंट साफ करके रख दी कि इनको ये मैच जीतना है। और भाई रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने ऐसी इंटेंट के साथ बैटिंग दिखाई, ऐसी खतरनाक ओपनिंग करी, इसे देख के हमारे केएल राहुल का भी हृदय परिवर्तन हो गया। केएल भाई जो स्ट्राइक रेट वनडे क्रिकेट में अचीव नहीं कर पा रहे थे, भाई ने टेस्ट क्रिकेट में अचीव कर ली। भाई तुझे कोई नहीं समझ सकता, मेरे बारे में मत सोचो, मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं। और हमारे विराट भाई का तो अलग ही सिस्टम है, केएल राहुल की ये वाली इनिंग देख के विराट कोहली के अंदर तो ऑर्गेज्म ही आ गया, ग्राउंड में ही पप्पी शप्पी चालू कर दी केएल के साथ। अरे भाई ये कोई जगह है पप्पी करने की? मगर आई फील सैड फॉर विराट कोहली, भाई ने इतनी अच्छी बैटिंग करी, इतने अच्छे इंटेंट के साथ खेला, भाई डिहाइड्रेट भी हो गए, मगर फिर भी अपनी 50 से सिर्फ 3 रन से चूक गए। अब यार देखो इंडिया में इतनी गर्मी है तो, और इंग्लिश प्लेयर को इंडिया में आके गर्मी सहन करना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है ना, मतलब समझ गए ना तुम मेरी बात। खैर जोक सपाट, विराट कोहली भाई आजकल बड़े ही दानवीर कर्ण जैसे हो गए हैं। पहले रिंकू सिंह को अपना बैट गिफ्ट कर दिया, उसके बाद आकाशदीप को अपना बैट गिफ्ट कर दिया, जिससे आकाशदीप ने 2 बॉल पे 2 छक्के पेल दिए थे इस मैच में। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो शाकिब हुसैन को भी अपना बैट गिफ्ट कर दिया। कोहली भाई आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हम फैंस को भी 81वीं सेंचुरी गिफ्ट कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? और इस जीत के साथ इंडियन क्रिकेट ने अपने घर में 18वीं लगातार सीरीज जीत ली है। 2013 के बाद इंडिया में कोई भी सीरीज नहीं हारा है। और तुम भी मेरा दिल जीत लो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। अगली वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।